हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अक्षिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवीटीवी फूड में। और आज जो हम चीज़ बनाने वाले हैं वो है किशमिस और मनुका। ये हम घर के घर में कैसे बना सकते हैं ये आपको आज मैं बताऊंगी। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। उसके लिए चाहिए अंगूर, सादे अंगूर और काले अंगूर। सादे अंगूर से हम बनाएंगे किशमिस और काले अंगूर से हम बनाएंगे मनुका। ये दो तरीके से हम बनाएंगे। तो आप जब भी किशमिश के लिए अंगूर खरीदते हैं तब आप देख लीजिए कि वो सारे अंगूर जो हो मीठे हो। जब ये देखते हैं कि हरे अंगूर जहाँ पे दिखते हैं तो आप उसको अवॉइड करिए लेना। तो पीले कलर के अंगूर आप लेने की कोशिश कीजिए। पीले कलर के अंगूर जनरली मीठे होते हैं। ये तो हमने सादे किशमिश के लिए अंगूर का चयन किया है, पर अब जब हमें मनुका के लिए अंगूर चुनना है तो वो तो कलर से दिखेंगे नहीं। तो उनको लीजिए और टेस्ट करके देखिए मीठे है या नहीं। अगर मीठे नहीं है तो खट्टे अंगूर मत खरीदिए। ये अंगूर को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। आधे घंटे के भिगोने के बाद इसके ऊपर जो केमिकल डाला हुआ रहता है, इसको कीड़ ना लगे इसलिए, तो आधे घंटे बाद आप इसको निकालिए और देखिए इसके ऊपर एक सफेद परत रहती है। पानी में डालने के बाद वो पूरी सफेद परत एकदम लूज हो जाती है। जब आप धोते हैं तो वो केमिकल पूरी तरह से निकल जाता है। तो ध्यान रखिए, ये आप जब खाते हैं तभी भी आपको ये दिमाग में रखना है कि इसे आधे घंटे पानी में रखना है। आधे घंटे पानी में रखने के बाद दूसरी गैस पे आप पानी गर्म कर लीजिए और उसमें उबलते हुए पानी में ये अंगूर 3 मिनट के लिए डाल दीजिए। ये हम सादे अंगूर की बात कर रहे हैं। तो इसको डालने के बाद आप इसमें 3 मिनट के लिए उबाल आने दें। सादे अंगूर को 3 मिनट के ऊपर हमें उबालना नहीं है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगर ज़्यादा टाइम आप उसे उबालेंगे, ज़्यादा पकने से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हार्डली 3 मिनट ही आप इसे उबालिए और एक बाउल में या फिर जिस पे आपको सुखाना है उसमें निकाल डालिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी बॉईल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये बन गए हैं। अभी उसी पानी में हम लोग काले अंगूर डाल देंगे। पर काले अंगूर के वक्त आपको ये ध्यान रखना है, काले अंगूर आपको 5 से 7 मिनट तक उबालना है, क्योंकि काले अंगूर है उसकी जो स्किन रहती है वो थोड़ा मोटी रहती है, इसलिए आपको इसे ज़्यादा टाइम तक उबालना है। उबालने के बाद आप एक छन्नी पे या किसी भी जगह पे ये अंगूर निकाल डालिए और इसे धूप में रखिए। सादे अंगूर है, अगर धूप अच्छा है तो वो 2 से 3 दिन में बन के रेडी हो जाते हैं। और काले अंगूर है, इसे कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं सूखने के लिए, क्योंकि इसकी चमड़ी जो है मोटी रहती है। तो इस तरह से आप इस अंगूर को निकालिए और धूप में सादे अंगूर को 2 दिन रखिए और जो काले अंगूर है इसे 5 से 7 दिन आपको कड़ी धूप में रखना है। अगर धूप कम है तो सादे अंगूर को आपको 3 दिन रखना है और जो काले अंगूर है उसे 10 दिन तक रखना है। 10 दिन के बाद ये अंगूर हमारे किशमिश और मनुका के रूप में आप बिल्कुल खाने के लिए ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो ये अंगूर सादे बिना उबाले हुए आप बिल्कुल खोल के इनको डायरेक्ट धूप में सुखा दीजिए। बिना उबाले भी आप इसे डायरेक्ट अगर धूप में सुखाते हैं तो जो सादे अंगूर है वो कम से कम 10 से 12 दिनों में सूख के रेडी हो जाते हैं और जो काले अंगूर है उसे 15 से 21 दिन में लगते हैं। तो इस तरह से ये सब अंगूर अभी बन गए हैं। अभी उसे हम सुखाएंगे धूप में। धूप में सूखने के बाद ये अंगूर इस तरह से दिखते हैं। ये मैंने धूप में सुखाए हुए मनुका और किशमिश है और ये जो है ये मैंने पानी से निकाले हुए किशमिश और मनुका है। तो देखिए घर के घर में हम किशमिश और मनुका कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके सलाह और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। हमारी और भी रेसिपी देखने के लिए स्क्रीन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।